ओम शांति। आज 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा के घर शांतिवन में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। और ये शांतिवन में अपने युवा कुमार भाई बाइक में जाके रैली में पालनपुर सेंटर तक जाएंगे रैली से, और भारत का झंडा लहराएंगे और सबको संदेश देंगे। ओम शांति। आजादी के महोत्सव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, शुभ स्वागत है, शत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे परम प्रिय परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से। आप सबसे अनुरोध है शांति में बैठेंगे और शिव बाबा की याद से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे।
अभी दादी जी भी आ चुकी है और दादी जी के द्वारा हरी झंडी रैली को दिखाई जाएगी। उसके बाद ही रैली प्रस्थान होगी पालनपुर के लिए। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, राम प्रकाश भाई, आतम भाई, हरीश मोयल जी तथा यहाँ उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बहुत सुंदर, खुद को गौरवान्वित महसूस करने का क्षण है कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे करके ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और सारे विश्व की नज़र इस भारत भूमि की तरफ है कि जिस तरह कदम बढ़ाते हुए भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और परमात्मा भी कैसे भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे, तो उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब के लिए हम सभी अपने आप को भी खुशकिस्मत समझते हैं। द्वारा ये जो आयोजन रखा गया है ये वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं सबको आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं और मोटर बाइक रैली में जो शामिल है उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस गौरवान्वित क्षण के भागीदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। दादी दृष्टि से ही हम सबको आशीर्वचनों से भरपूर कर रही हैं, हम सबकी झोली भरपूर कर रही हैं। थैंक यू दादी। और अब वक्त आ गया है कि हम हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रस्थान करने का। मंच पर उपस्थित हमारे महान वक्तागणों के हाथ में भाई तिरंगा देंगे। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि हरी झंडी
अभी हम पालनपुर सेंटर में पहुंच गए हैं और पालनपुर सेंटर में रैली का रिसीव होगा और वहीं उनका भोजन की व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ बाबा के बच्चे देशभक्ति के गीत में डांस कर रहे हैं। पार्किंग की जगह है ये, सेंटर के पास में ये बाइक पार्किंग किया हुआ है।